हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल सुपर कॉमर्स। जब कभी भी हम इस तरह के ग्रुप डांस परफॉर्मेंस या फिर जन्माष्टमी पर माखन की मटकी फोड़ते हुए इन सभी लोगों को देखते हैं तो हमारे मन से एक आवाज़ आती है, वाओ सुपर जॉब। और साथ ही में एक क्वेश्चन भी आता है कि कैसे ये लोग ये सब कुछ इतनी स्मूथली से ये सब चीज़ें कर लेते हैं। जैसे ये ग्रुप डांस ही ले लो, सब अपना अलग अलग डांस करते हैं पर सब एक साथ करते हैं। या फिर ये माखन की मटकी फोड़ते हुए बॉयज, सबकी पोजीशन अलग अलग पर और अलग अलग पोजीशन पर रहते हुए भी सब एक साथ काम कर रहे हैं। क्या आपको पता है ये सब लोग अलग अलग काम करते हुए भी अपना काम एक साथ परफेक्ट तरीके से कैसे कर लेते हैं? उसका आंसर है उनके बीच का तालमेल यानी कोऑर्डिनेशन, एक ऐसी शक्ति जो सभी के एफर्ट्स को एक धागे में पिरोती है और सभी को बांध के रखती है, जिससे ये सभी अलग अलग काम करते हुए भी एक साथ काम करते हैं और अपने गोल को अचीव करते हैं। मैनेजमेंट में भी एक कोऑर्डिनेशन नाम का फोर्स होता है और उसी के बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि कोऑर्डिनेशन क्या होता है और कोऑर्डिनेशन को हम एसेंस ऑफ मैनेजमेंट क्यों कहते हैं। तो जानने के लिए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि कोऑर्डिनेशन होता क्या है। देखिए, कोऑर्डिनेशन का हिंदी में मतलब होता है तालमेल, शायद इससे आपको थोड़ा समझ में आ जाए। जिसका मतलब है कि जब भी कोई भी काम ग्रुप में किया जाएगा तो ग्रुप में काम करने वाले जितने भी मेंबर्स हैं वो जो भी काम करेंगे, वो जो भी एफर्ट्स लगाएंगे, उनके सारे काम सारे एफर्ट्स एक ही डायरेक्शन में होने चाहिए और एक साथ होने चाहिए, ताकि जिस किसी भी पर्पज़ के लिए वो ग्रुप बनाया गया था उस पर्पस को अचीव किया जा सके। अगर हम बात करें एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जिस किसी भी पर्पस के लिए स्टार्ट किया जाता है, उस पर्पस को पूरा करने के लिए उसमें कई सारे डिपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं, जैसे कि सेल्स डिपार्टमेंट, परचेस डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एट्सेट्रा, और उसमें कई सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं जो कि अलग अलग टाइम पर अलग अलग काम करते हैं। लेकिन उन सभी का जो भी काम है वो एक साथ होना चाहिए, एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए, ताकि जो बिजनेस का पर्पस है उसको अचीव किया जा सके। जैसे कि एक बिजनेस है जो कि शूज़ मैन्युफैक्चर करता है और उसको ऑर्डर मिलता है 1000 शूज़ बनाने का। तो जब उसको 1000 शूज़ बनाने का ऑर्डर मिलेगा तो सबसे पहले रॉ मटेरियल का ऑर्डर दिया जाएगा, उसके बाद उस रॉ मटेरियल से शूज़ बनाए जाएंगे और फिर उसको मार्केट में सेल किया जाएगा। मान लो अगर जो परचेज डिपार्टमेंट है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट से बिना पूछे कि कितना कैश अवेलेबल है और कितना नहीं, वो सारा का सारा ऑर्डर कैश में दे देता है, यानी जो रॉ मटेरियल है वो कैश में मंगवाया जाएगा। और फिर बाद में पता चलता है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास तो कैश है ही नहीं, तो हो सकता है कि आगे जाके जो रॉ मटेरियल है वो आए ना, उसकी डिलीवरी कैंसिल हो जाए क्योंकि कैश में पेमेंट नहीं हो पाएगी। तो जो शूज़ बनाने थे वो बन ही नहीं पाएंगे, यानी जब इनमें तालमेल ही नहीं था तो जो हमने देखा कि जो पर्पस था जो शूज़ बनाने थे वो नहीं बन पाए। इसीलिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो कोऑर्डिनेशन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि बिना कोऑर्डिनेशन के कोई भी पर्पस अचीव नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ही है ग्रुप में काम करना। और जब भी ग्रुप में तालमेल ना हो, कोऑर्डिनेशन ना हो, तो वो ग्रुप कभी भी अपना ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर सकता है। इसीलिए जब भी हम कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं तो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि कोऑर्डिनेशन को हम मैनेजमेंट का एसेंस क्यों कहते हैं, यानी सार क्यों कहलाता है, यानी जो कोऑर्डिनेशन है वो मैनेजमेंट में इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। वो इसीलिए होता है क्योंकि आपको पहले ही पता है कि मैनेजमेंट में बेसिकली 5 फंक्शंस होते हैं, जैसे कि प्लानिंग हो गया, ऑर्गेनाइजिंग हो गया, स्टाफिंग हो गया, डायरेक्टिंग हो गया, या फिर हो गया कंट्रोलिंग। और ये जितने भी फंक्शंस हैं ये सेपरेट किए जाते हैं, यानी अलग अलग किए जाते हैं और अलग अलग मैनेजर इनको करते हैं। जैसे कि प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग का जो भी फंक्शंस है वो किया जाता है टॉप लेवल मैनेजमेंट के थ्रू, और प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग के बाद जो स्टाफिंग का काम होगा वो करेगा मिडिल लेवल मैनेजमेंट, और स्टाफिंग के बाद जो डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग का काम होगा वो करेगा लोअर लेवल मैनेजमेंट। तो ये जितने भी फंक्शंस हैं ये अलग अलग मैनेजर्स कर रहे हैं और अलग अलग टाइम पर कर रहे हैं, वन बाय वन होता रहता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन की, तो ये भी एक फंक्शन है, लेकिन ये एक सेपरेट फंक्शन नहीं है, यानी इसको अलग से नहीं किया जाता, बल्कि कोऑर्डिनेशन का जो काम है ये इन सारे फंक्शंस के साथ साथ चलता रहता है। यानी कोई भी मैनेजर क्यों ना हो, चाहे वो लोअर लेवल मैनेजमेंट हो, चाहे वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट हो, चाहे वो हो टॉप लेवल मैनेजमेंट हो, और वो इनमें से कोई सा भी फंक्शन क्यों ना कर रहे हो, उसको साथ साथ कोऑर्डिनेशन भी करना पड़ेगा।
यानी चाहे प्लानिंग हो, चाहे ऑर्गेनाइजिंग हो, चाहे स्टाफिंग हो, या फिर डायरेक्टिंग हो, या फिर कंट्रोलिंग हो, इन सभी के साथ साथ जो कोऑर्डिनेशन का फंक्शन है, जो कोऑर्डिनेशन का काम है, वो चलता रहता है। क्योंकि अगर कोऑर्डिनेशन कहीं से भी मिस हुआ तो जो ऑब्जेक्टिव है, जो गोल्स हैं, वो कभी भी अचीव नहीं किए जा सकते हैं। तो हम बात करते हैं कि कोऑर्डिनेशन इज़ द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट का क्या मतलब होता है। तो इसका मतलब यही होता है कि जो कोऑर्डिनेशन है वो सारे के सारे मैनेजमेंट के फंक्शंस को अफेक्ट करता है। वो मैनेजमेंट में जितने भी फंक्शंस होते हैं, जो भी पांच फंक्शंस हैं जिसकी शॉर्ट फॉर्म है पॉस डीसी, POSDC, उन सभी फंक्शंस को वो अफेक्ट करता है, चाहे प्लानिंग हो, ऑर्गेनाइजिंग हो, स्टाफिंग हो, डायरेक्टिंग हो, या फिर कंट्रोलिंग हो। अब हम देख लेते हैं कि कोऑर्डिनेशन कैसे इन सभी फंक्शंस को अफेक्ट करता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्लानिंग की। देखिए, प्लानिंग का मतलब होता है कि डिसाइड करना इन एडवांस कि फ्यूचर में क्या किया जाना है, कैसे किया जाना है, कब किया जाना है, और किसके थ्रू किया जाना है। तो जब प्लानिंग होती है तो साथ ही साथ बिजनेस के जितने भी डिपार्टमेंट हैं उनको साथ बिठा के उनसे पूछ के ही करनी चाहिए। जैसे कि अगर कोई बिजनेस यह प्लानिंग कर रहा है कि हमें 1 लाख शूज़ मैन्युफैक्चर करने हैं पूरे साल में, तो उससे पहले यह देखना होगा कि क्या कितना कैश अवेलेबल है, क्या इतने एम्प्लॉयज़ हो पाएंगे, क्या इतनी मशीनरीज हैं, जब इतना सामान होगा या फिर हम फ्यूचर में इतना सामान इकट्ठा कर सकते हैं तभी हम इस गोल को अचीव कर पाएंगे। इसलिए जब प्लानिंग होती है तो साथ ही साथ जो दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं, जो दूसरे जो मैनेजर्स हैं, उनसे कंसल्ट करके ही प्लानिंग करनी चाहिए। कोई भी ऐसा गोल नहीं बनाना चाहिए जिसको अचीव ना किया जा सके। उसके बाद अगर हम बात करें ऑर्गेनाइजिंग की, जिसका मतलब होता है कि यह डिसाइड करना कि कौन कौन से डिपार्टमेंट्स होंगे, कौन सी एक्टिविटी कौन सा डिपार्टमेंट करेगा, किस एम्प्लॉयज़ को कौन सा काम दिया जाएगा, एट्सेट्रा। तो जब कभी भी ऑर्गेनाइजिंग का काम होगा बिना कोऑर्डिनेशन के साथ नहीं हो सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी भी एम्प्लॉयज़ को ड्यूटीज़ असाइन की जा रही हैं और अथॉरिटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी दी जा रही हैं, तो सबसे पहले यह देखना होगा कि क्या वो ड्यूटीज़ प्लानिंग के अकॉर्डिंग है, यानी जो पर्पस सेट किया गया है, जो गोल सेट किया गया है, उस गोल के अकॉर्डिंग ही काम दिया जा रहा है या कुछ दिया जा रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि स्टाफिंग का काम होता है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको रिक्रूट करना, उनको सिलेक्ट करना और उनको काम पर लगाना, यानी जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको काम पर लगाना। अब स्टाफिंग में भी कोऑर्डिनेशन ज़रूरी होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि जब कभी भी एम्प्लॉयज़ को रखा जाता है तो एम्प्लॉयज़ की जितनी भी क्वालिफिकेशंस हैं, उनका जितना भी एक्सपीरियंस है, वो मैच होना चाहिए जिस पोस्ट पर वो रखे जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए एम्प्लॉय चाहिए तो उनके लिए क्वालिफिकेशंस और एक्सपीरियंस अलग होगा। अगर मार्केटिंग डिपार्टमेंट के लिए एम्प्लॉयज़ चाहिए तो उनके लिए क्वालिफिकेशंस और जो एक्सपीरियंस है वो अलग होगा। तो जब कभी भी एम्प्लॉयज़ को रखते समय इन सभी डिपार्टमेंट से कंसल्ट नहीं किया होगा, इन सभी डिपार्टमेंट से पूछा नहीं होगा कि किस डिपार्टमेंट में किस तरह के एम्प्लॉयज़ चाहिए, तो हो सकता है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो गलत रख लिए जाएँ, उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस उस तरह का ना हो जिस तरह की रिक्वायरमेंट है। तो इसीलिए स्टाफिंग करते टाइम भी दूसरे जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके साथ कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, उनके साथ तालमेल होना चाहिए, उनसे पूछ कर ही स्टाफिंग का काम किया जाना चाहिए। सिमिलरली, अगर हम डायरेक्टिंग की बात करें या फिर कंट्रोलिंग की, तो ये जो भी फंक्शंस है ये भी विद कोऑर्डिनेशन के साथ होंगे। इस तरीके से हम देखते हैं कि कोऑर्डिनेशन का जो फंक्शन है वो बाकी सभी मैनेजमेंट के फंक्शन से जुड़ा हुआ है, अलग से बिल्कुल भी नहीं है। यानी मैनेजमेंट के जो पांच फंक्शंस हैं वो भी चलते रहते हैं, साथ ही साथ कोऑर्डिनेशन भी चलता रहता है। और अगर हम बात करें इसकी इम्पोर्टेंस की, तो कोऑर्डिनेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर बिजनेस में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो गोल अच्छे से अचीव नहीं हो पाएगा, गोल ही अचीव नहीं हो पाएगा, तो जिस पर्पज़ के लिए जो बिजनेस सेट किया गया था वो ही पूरा नहीं हो पाएगा। और इसके साथ साथ बिजनेस के सर्वाइवल के लिए, बिजनेस के ग्रोथ के लिए, अगर बिजनेस को प्रॉफिट बढ़ाना है तो उन सभी के लिए, यानी किसी भी पर्पज़ के लिए बिजनेस स्टार्ट किया जाता है, तो कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। यानी हर काम मिलजुल कर होना चाहिए, तालमेल के साथ होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई डिपार्टमेंट उत्तर की तरफ जा रहा है, दूसरा डिपार्टमेंट जा रहा है दक्षिण की तरफ, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक ही डायरेक्शन में काम होना चाहिए और एक साथ होना चाहिए। इसीलिए हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन इज़ द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो इसी के साथ ये वीडियो होता है ख़त्म। ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।